नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। अमेठी के बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या में क्या भाजपा का हाथ है? क्या सुरेंद्र सिंह ईवीएम का कोई राज जानते थे? क्या उनको भाजपा ही नेताओं ने ही मरवाया है? सोशल मीडिया पर ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई है। कई लोग इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी थे। सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार में अमेठी की नवनिर्वाचित सांसद यानी स्मृति ईरानी पहुंची थी। उनकी अर्थी को कंधा दिया। 26 मई तड़के 3 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हत्या राजनीतिक वजहों से हुई थी, क्योंकि सुरेंद्र भाजपा के कार्यकर्ता थे और 23 मई के नतीजों के बाद आखिरकार भाजपा ने कांग्रेस का गढ़ तोड़ डाला था। हालांकि कुछ लोग इससे इतर भी राय रखते हैं। उनका मानना है कि ये आपसी रंजिश का मामला था। कुछ लोग उनकी हत्या पर एक नई ही थ्योरी पेश कर रहे हैं। रामचंद्र अग्रवाल नाम के एक शख्स हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि राहुल गांधी अमेठी में सुरेंद्र सिंह की कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या करा दी है। सुरेंद्र सिंह ने अमेठी में ईवीएम हैकिंग आयोजित की थी। बीते 3 दिनों से वो ईरानी को 5 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। अमेठी जाओ और जांच के लिए उनके यानी सुरेंद्र सिंह के बेटे से संपर्क करो। यहाँ पर जब आपने राहुल गांधी सबसे पहले सुना होगा तो यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी को ट्विटर पर टैग किया था। इसके अलावा लिखा जा रहा है, अमेठी में स्मृति के करीबी भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि उनके पास ईवीएम से जुड़ी कुछ जानकारी थी। आज फिर गोपीनाथ मुंडे की याद ताज़ा हो गई। आपको याद होगा, आपको बता दूं मैं कि गोपीनाथ मुंडे की जब सड़क हादसे में मौत हुई थी उस समय भी कई ऐसी बातें बोली जा रही थी कि वो भाजपा के कुछ ऐसे राज जानते हैं जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें मरवा दिया। तो खैर, वापस लौटते हैं अमेठी में। अमेठी में स्मृति को जो सुरेंद्र सिंह है उनके बारे में कुछ और बातें भी बोली गई हैं, जैसे कि अमेठी में स्मृति को जीत दिलवाने वाले भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि उनके पास ईवीएम से जुड़ी कुछ जानकारी थी। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। ये एक बार नहीं ऐसा पोस्ट शेयर किया गया है, कईयों ने इस पोस्ट को शेयर किया है, कॉपी करके अपनी वॉल से भी पोस्ट किया है। एक बात तो साफ है, कई लोगों के दिमाग में ये बात घुसाने की कोशिश की जा रही है कि सुरेंद्र सिंह की हत्या के पीछे ईवीएम का कोई लेना देना है। फेसबुक पर एक स्क्रीनशॉट भी काफ़ी ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पर ये चीज़ का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस लाओ, भारत बचाओ, ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स भी हैं जहां पर ये पोस्ट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी कई क्लेम किए हैं। किसी भी बात को बार बार बोलने पर कोई बात सच तो हो नहीं जाती। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर यकीन कर लें, लेकिन फैक्ट फैक्ट रहेगा, यानी फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, उससे छेड़खानी नहीं हो सकती। इस मामले में भी और कई और भी मामले हैं जिनमें ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई है, लेकिन इस मामले के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसे हम डिबंक कर रहे हैं आपके सामने, वो फैक्ट आपको बता रहे हैं। इस मामले के आप फैक्ट जान लीजिए। इस जांच में अब तक जो इस मामले की जांच है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, पुलिस ने अब तक जांच में यही नतीजा दिया है कि ये राजनीतिक हत्या नहीं है, यानी लोकल दुश्मनी का मसला था, यानी लोकल लेवल पॉलिटिक्स इसकी वजह बताई जा रही है, ना कि लोकसभा चुनाव। पुलिस ने शक के आधार पर इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाम है रामचंद्र, धर्मनाथ और नसीम। 2 लोग इस मामले में अब भी फरार बताए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बीजेपी ने दावा नहीं किया कि ये राजनीतिक हत्या है। अगर ऐसा कभी होता था, जैसे बंगाल के मसले में या केरल के मसले में भाजपा हमेशा दावा करती रही है कि वहां पर राजनीतिक हत्या होती है, लेकिन अमेठी की इस हत्या के मामले में बीजेपी ने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि ये राजनीतिक हत्या है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने भी सिर्फ इतना कहा है कि जिन्होंने भी ये कांड किया है, जिन्होंने भी ये हत्या की है, उन्हें वो फांसी दिलाकर ही रहेंगी, चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सो कुल मिलाकर भाजपा की ओर से किसी भी आधिकारिक स्तर पर या किसी भी बड़े स्तर पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही किसी दूसरी पार्टी पर, ना ही किसी दूसरे शख्स पर, या फिर किसी भी पार्टी से जुड़े हुए किसी और बंदे पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया बीजेपी की ओर से कि उन्हें ये राजनीतिक हत्या लगी या सुरेंद्र सिंह की राजनीतिक हत्या की गई हो। सो कुल मिलाकर इस मामले में बेवजह एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने की कोशिश की जा रही है। आप सचेत रहें, ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हैं जेरी, और इस मामले की और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।